हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक एडवांस स्ट्रक्चर जो कि है बेंट ऑन। तो फ्रेंड्स, आपने इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे जिसके अंत में आता है अड़ा होना, तुला होना या फिर आमादा होना। जैसे कि मैं इंग्लिश सीखने पर तुला हुआ हूं, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को हम बेंट ऑन के एडवांस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग और स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका मीनिंग होता है टू बी वेरी डिटरमिंड टू डू और हैव समथिंग। मींस आप किसी काम को करने के लिए आमादा हैं, आप उस काम को करने के लिए तुले हुए हैं, आप उस काम को कैसे भी करके ही रहेंगे, आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है। तो यहां पर हम यूज करेंगे बेंट ऑन। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर, फिर बेंट ऑन, फिर जेरंड, दैट इज मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब आप पास्ट की बात करेंगे तो इज एम आर की जगह वॉज वर्ब, और फ्यूचर में विल बी का यूज किया जाएगा। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिंस बेंट ऑन एंड हैव बेंट ऑन के यूजेस भी देखेंगे। मैं अंग्रेजी सीखने पर तुला हुआ हूँ, मतलब मैं इंग्लिश सीख के ही रहूंगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश। आइए एक सेंटेंस पास्ट का देखते हैं। वह मुझसे लड़ाई करने पर तुला हुआ था, आमादा था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही वॉज बेंट ऑन फाइटिंग विथ मी। और फ्यूचर वैसे ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। वे झूठ बोलने पर तुले हुए होंगे, दे विल बी बेंट ऑन लाइंग। चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह अपनी जॉब छोड़ने पर तुला हुआ था जबकि वह अच्छे पैसे कमा रहा था। He was bent on quitting his job, even though he was making a lot of money. वे वीकेंड के लिए यहाँ आने पर तुले हुए हैं, मतलब उन्होंने ठान ली है तो अच्छा होगा कि हम अपना गेस्ट रूम साफ कर ले। They are bent on coming here for the weekend, so we better clean the guest room. Thanos half universe को खत्म करने पर तुला हुआ था, लेकिन Iron Man उसे बचाने पर तुला हुआ था। Thanos was bent on wiping out half the universe, but Iron Man was bent on saving it. अब देखते हैं सिंस बेंट ऑन का यूज कैसे किया जाएगा। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने पर तुला हुआ लग रहा है। आइए देखते हैं सेंटेंसेस। उससे पंगा मत लो, वह तुम्हारा करियर बर्बाद करने पर तुला हुआ लग रहा है। Don't mess with him. He seems bent on destroying your career. वे जल्द से जल्द शादी करने पर तुले हुए लग रहे हैं। They seem bent on getting married as soon as possible. आइए अब एक सेंटेंस पास्ट का देखते हैं। मैंने उसे प्रतियोगिता में भाग न लेने की सलाह दी, लेकिन वह उसमें भाग लेने पर तुली हुई लग रही थी। I advised her not to participate in the competition, but she seemed bent on participating in it. वैसे bent on, seem bent on, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों के एक दूसरे के स्थान पर भी यूज किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं हेल्प बेंट ऑन कब यूज किया जाएगा। हेल्प बेंट ऑन बेंट ऑन के जैसा ही है, बस इसमें कोई व्यक्ति किसी स्टूपिड या डेंजरस थिंग को करने के लिए तुला हुआ रहता है। आइए देखते हैं एग्जांपल। वह लापरवाही से कार चला रहा है, लगता है कि वह लोगों को कुचलने पर तुला हुआ है। ही इज ड्राइविंग द कार रेकलेसली, आई थिंक ही इज हेल्प बेंट ऑन रनिंग ओवर द पीपल। एंड फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।